सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई विश यू ऑल आर फिट एंड फाइन। गाइस, आज के वीडियो में आप लोग को मैं राउरकेला का जो हॉकी स्टेडियम है वो आज पहली बार आप लोग मेरे वीडियो में देखने वाले हैं। वो इनॉग्रेशन होने वाला है और आगे क्या क्या प्रोग्राम होने वाला है मुझे नहीं पता। तो अभी घर से तो मैं निकल आया हूँ डीवी पॉइंट के पास, तो यहाँ से निकलते हैं और देखते हैं क्या क्या होता है। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करके एंड तक देखिएगा। आई होप ये आज का वीडियो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस, देख पा रहे हैं आप लोग मो बस सब यहाँ से मतलब आके सेटअप हो चुका है। ये राउरकेला का बसंती का पास जो डीएवी पॉइंट है वहाँ पर आके सब मो बस लाइन से लग चुका है और अभी नवीन पटनायक जी आने वाले हैं, तो आज से ये शुरू होने वाला है। आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एसी नॉन एसी जो भी मो बस सब है सब आके यहाँ पर। तो आज जैसे कि मैं आप लोग को बोला था कि यहाँ से आज इनॉग्रेशन होने वाला है सब कुछ। सिर्फ तो देख बिटिया, हाय कर लिए बड़े, हाय कर लिए। सो गाइस, देख पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर डीएवी पॉन्ड ओपन हो चुका है और इसके बारे में डिटेल्स वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मेरे चैनल में मिल जाए। तो डीएवी से हम लोग निकल चुके हैं, निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं छेन तरफ। ये आप लोग जो रोड देख रहे हैं सामने, ये पूरा छेन रोड है। अब छेन रोड से हम लोग होते हुए जाएंगे बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। इनॉग्रेशन है तो नवीन पटनायक जी आए हैं आज उसका ही इनॉग्रेशन करने के लिए। तो आई थिंक वो अभी तक आ चुके होंगे, मुझे नहीं पता, तो थोड़ा जाके वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर रास्ता ब्लॉक कर दिया गया, तो अभी हम लोग को आगे की तरफ जाके देखना पड़ेगा, दूसरा रास्ता सिखाना पड़ेगा क्योंकि इस तरफ रास्ता बंद कर दिया गया। गाइस, उस तरफ का रास्ता बंद था तो हम लोग ने दूसरा रास्ता अभी ले लिया है और ये आप लोग सामने देख पा रहे हैं, ये हमारा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। चलिए आगे आपको जाके दिखाते हैं, ये रहा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। सो ये गाइस है एयरपोर्ट वाला रास्ता, अगर आप लोग एयरपोर्ट से आते हो तो ये आप लोग को सामने मिलेगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला। और इधर जो सीधा रास्ता देख रहे हैं इधर से रास्ता बंद था तो हम लोग ने दूसरा रास्ता ले लिया अभी। सो गाइस, द गेट नंबर 3 स्टेडियम का गेट है। देख रहे हैं इतना सारा सिक्योरिटी यहाँ पर लगा हुआ है और आप लोग बोर्ड भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर पूरा हॉकी के लिए ऑल सेट हो चुका है राउरकेला। बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे, क्योंकि हम लोग चल रहे थोड़ा एयरपोर्ट की तरफ, एयरपोर्ट से देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, को दिखाएंगे और अच्छी तरह से। तो गाइस, अभी आके मैं पहुंच चुका हूँ राउरकेला के एयरपोर्ट के पास, तो देखते हैं आगे का सिचुएशन क्या कैसे बनता है और आप लोग को फुटेज दिखाते रहते हैं। सो गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारा एयरपोर्ट है राउरकेला का, ये एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट के सामने ये जो पूरा पार्किंग बना हुआ है आप लोग देख पा रहे हैं, बहुत सारे तरह तरह के बस सब लगे हुए हैं यहाँ पर। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि कितना मतलब बाहर बाहर से लोग आए हुए, क्योंकि आज जो है इनॉग्रेशन होने वाला है स्टेडियम का, तो बहुत जन आए हैं स्वागत करने के लिए नवीन पटनायक जी को। और यहाँ पर मतलब सब बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। तो ये जो एयरपोर्ट के सामने ये जो पार्किंग है ये मतलब पूरा ठीक से बना नहीं है, लेकिन जितना ही बना है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जा रहा है और बहुत सारे बस आए हैं और भी आने वाले हैं शायद। सो गाइस, ये सब देख के बहुत ज़्यादा ही प्राउड फील हो रहा है, इतना ज़्यादा भीड़ अभी से हो रहा है और आज हमारा स्टेडियम इनॉग्रेशन होने वाला है, स्टार्टअप हो जाएगा आज से स्टेडियम जो है, और बस कुछ ही दिन बचे हुए हैं हॉकी वर्ल्ड कप शुरू होने के लिए। तो ये एक बहुत ज़्यादा ही प्राउड वाला मोमेंट है हमारे लिए राउरकेला में, क्योंकि इंडिया में ये राउरकेला में ये मैच होने जा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील, प्राउड वाला मोमेंट है। लाजो नहीं भाई, करो पास एंट्री पे मैंने तो, तुम कौटू आस को जगह हैं, सुंदरगढ़।
तो गाइस हम भी आके हम लोग पहुंच चुके हैं राउरकेला का एयरपोर्ट के सामने। ये है टर्मिनल बिल्डिंग, आप लोग देख पा रहे हैं। उसके ठीक सामने पार्किंग में देख रहे हैं बहुत सारा बस वस और कार वार सब लगे हुए हैं, जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया अभी। तो अभी तक नवीन पटनायक जी आए नहीं है। तो जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया, बहुत सारे गाड़ी आए हुए हैं, बहुत सारे कार बसेस सब, मतलब बाहर बाहर से, कोई सुंदरगढ़ से, झारसुगड़ा से और बहुत जगह से, मतलब लोग आए हुए हैं सब आज, मतलब हॉकी स्टेडियम के अंदर देखने के लिए आए हुए हैं। तो उनके पास सब पास है जैसे कि आप लोग को दिखाया मैं। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ बहुत सारा भीड़ लगे हुए हैं क्योंकि नवीन पटनायक जी अभी तक नहीं आए हैं, तो सब नवीन पटनायक जी का वेट कर रहे हैं। गाइस ये जो यहाँ का माहौल जो था आप लोग ने देख लिया। तो अभी चलते हैं पहली बार मेरे चैनल में, क्योंकि आज के डेट में राउरकेला का ऐसा कोई यूट्यूबर नहीं है जो कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का वीडियो नहीं बनाया हो। तो पहली बार आज मेरे चैनल में आप लोग को देखेगा बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो चलते हैं, इंतजार हुआ खत्म, अभी चलते हैं स्टेडियम की ओर और आप लोग को दिखाते हैं बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ का तादाद खत्म होने का नाम ही नहीं रुक रहा है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की तरफ। तो ये जो भीड़ देख रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं आगे, क्योंकि आगे का गेट पास इन लोगों के पास है और ये लोग अभी अंदर घुसने वाले हैं शायद, तो ये लोग उसी तरफ जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग अभी भीड़ देख पा रहे हैं, कितने ज़्यादा भीड़ है और ये सब हॉकी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं। और अभी आगे आप देखिए कितना ज़्यादा भीड़, बाप रे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सो गाइस दिस इज आवर बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला। हाँ, गेट नंबर 3 इसका। सो गाइस अभी आके हम लोग पहुंच चुके हैं बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम के ठीक सामने और अभी यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है। तो नवीन पटनायक जी अभी तक नहीं आए हैं, तो आएंगे और ये आज इनॉग्रेशन होगा। मैं आप लोगों को अंदर का थोड़ा फुटेज दिखाता हूँ, मतलब बाहर से ही दिखाता हूँ क्योंकि अंदर जाना आज के लिए तो टोटली अलाउ नहीं है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर का माहौल किस प्रकार का है। सो कुछ इस प्रकार का दिख रहा है अभी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम बन जाने के बाद। सब लोग आके ऐसे स्टेडियम के सामने खड़े हैं। तो आप लोग देख रहे हैं ये एंट्रेंस गेट है सामने का, ठीक। तो इस तरफ का सामने का गेट 3 से अगर आप लोग घुसते हैं तो ये सामने का गेट है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सभी लोगों के साथ शेयर करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि राउरकेला का हॉकी स्टेडियम आज इनॉग्रेशन हो चुका है। तो मिलते हैं ऐसे ही और बहुत सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना।